कि उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को आंदोलन से दूर करेंगे, मुसलमानों को आंदोलन से दूर करने के लिए उन्होंने 13% मुसलमानों को खुश करने के लिए, जबकि मुसलमान खुद जानते हैं, वीडियो थे आपके अब्दुल समद जाइए, मुसलमान थे लेकिन उनका JPSU वीडियो है लेकिन उनका पेपर खट्टा था। मुसलमान किसी मुसलमान का उर्दू लैंग्वेज मातृभाषा नहीं हो सकती है, देख रहा है मुसलमान भाई सामने है। तो हेमंत सोरेन सोचा ना कि मुसलमान, अरे रुको ना भाई, उन्होंने सोचा कि हेमंत सोरेन सोचा कि मुसलमान को आंदोलन से दूर करेंगे, लेकिन एक मुसलमान भी जान रहा है कि वो अभी झारखंडी है, मुसलमान का भी स्थिति खराब है भाई, कहां मुसलमान की स्थिति अच्छा है। केवल और केवल मुसलमान के नाम से राजनीति की जा रही है, उर्दू के नाम से किसी मुसलमान को ना समर्थन है ना विरोध है। जो तीन लैंग्वेज मेरा पहले था यहाँ स्थानीय भाषा, उसको रखे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप किसी भी देखे मुसलमान भाई लोग भी जो होते हैं ना, वो जब मदरसा जाते हैं स्कूल जाते हैं तो उर्दू में सीखना पड़ता है, वो माँ की भाषा नहीं है, माँ की भाषा जो माँ के कोरा में सीखते हैं। और एक बात, आपने उर्दू की बात कही, आपको जानकार के माध्यम संदेश देंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्री है, दोनों मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए एक मुसलमान भाई ने दूसरे मुसलमान भाई का खून बहाया था केवल भाषा के लिए। बांग्लादेश के जो मुसलमान थे वे बंगला बोलते हैं और पाकिस्तान के मुसलमान उर्दू। तो इसलिए ये मुसलमानों को डाइवर्ट करने के लिए हमन सरकार ये नियम लेके आई है। मुसलमान भी समझते हैं कि उर्दू उनकी नेशनल लैंग्वेज है, उर्दू उनका राज में तो ही है, उर्दू तो राज की द्वितीय राजभाषा ही है। कब हमने उर्दू का विरोध किया? लेकिन उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है भैया, क्योंकि उर्दू उसको सीखना पड़ता है। किसी किचन में जाइए, क्या मुसलमान घर के किसी किचन में जाइए, क्या माँ और बेटी उर्दू में बात करती है? नहीं करती, फट्ठा में करती होगी या कुड़माली में करती होगी, नागपुरी में करती होगी, कुछ बंगाल की बात तो बंगाल में करती होगी। तो इस बात को मैं चाहूंगा मुसलमान भाई भी समझे और झारखंडी तौर इस आंदोलन में साथ दें, क्योंकि आप और ऐसे भी यार, अरे भाई आप लोग अच्छा खासा आपका अधिकारी तो बनिए रहा है हमारा, देखिए भैया चित्र से JPSU निकालें, फट्ठा पेपर से निकालें, फट्ठा पेपर से निकालें। कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय वहाँ के जो मेंबर है जो जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से अपना टाइम दिए हुए हैं, लेकिन अभी भाषा को लेकर के देखा जा रहा है काफ़ी लोग वहाँ से निकल भी रहे हैं, इस्तीफा भी दे रहे हैं, तो क्या लगता है पार्टी में भी उन लोगों का शोषण किया जा रहा होगा? बिल्कुल, पार्टी जो खासकर जो नेशनल पार्टी होती है BJP और कांग्रेस, हम थोड़ा सा झारखंडियों को संदेश देना चाहेंगे, आज BJP और कांग्रेस का मतलब क्या है, मतलब तोता मैना कुत्ता बिल्ली इतना लड़ता है, खासकर विशेषकर धर्म के नाम पे इतना लड़ाता है, लोगों को इतना लड़ाता है, ये दोनों का मैनिफेस्टो है सरकार चलाना। अब देखिएगा BJP अगर बोल दे कि ये काम करना है तो कांग्रेस बोलेगी नहीं करना है, कांग्रेस अगर बोल दे कि अमृत है तो BJP बोलेगी 20 है, इतना उन लोग 36 का आंकड़ा है। लेकिन झारखंड के मामला को थोड़ा समझिए, इस बिल का प्रस्ताव लेके आई थी कांग्रेस विधायिका महागामा की दीपिका सिंह और समर्थन कर रहा है बिरंची नारायण बोकारो विधायक, कांग्रेस और BJP दोनों साथ है। तो ये समझना होगा झारखंडियों को कि पार्टी की नहीं लड़ाई माटी की है, माटी को बचाओ ना भाई, माटी को बचा लो, माटी अगर बचेगी तो फिर नई पार्टी बनेगी, नए नेता भी बनेंगे। इस आह्वान में आप झारखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? झारखंड के युवाओं को हम सीधा संदेश देंगे, आप किसी जिले के हैं इस आंदोलन का हिस्सा बने और खतियान आधारित डोमिसाइल की बात करें, अगर आज आप नहीं बात करते हैं तो फिर बहुत बुरा परिणाम होगा, ये लोग धीरे धीरे हमारे साथ, चूँकि देखिए ये तो आपको मानना होगा कि हम लोग थोड़ा पिछड़े लोग हैं, हमारी जो मानसिकता है थोड़ी पिछड़ी है, ये लोग तेज लोग हैं, इन्होंने हमेशा हमारा शोषण करने का प्रयास किया है, ये लोग बहुत हावी हो जाएंगे और अब तक हमने देखा ये लोग हावी हुए हैं। इसीलिए अगर झारखंडी आज नहीं जागता, कल ही अगर रांची का आदमी था बेचारा रो रो के अपना कहानी सुनाया कि एक व्यक्ति किसी बाहरी ने वहाँ जमीन लिया, उसके बाद वो जब चरतल्ला हो गया वहीं से वो अपना घर का कूड़ा कचरा फेंकता था, परेशानों को छोड़ के उसको जाना पड़ा। तो यही झारखंडी का हाल होगा, उसको एक दिन अपना झारखंड छोड़ के जाना होगा और नहीं तो बुरा स्थिति होगा। क्या लगता है मानव श्रृंखला जो बना 40 से 50 किलोमीटर का लगभग, हेमंत सरकार के कान में जो देखिए, अगर कहते हैं ना, अगर वास्तव में अगर लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र जिंदा है तो सरकार को झुकना होगा, इस बिल को वापस करना होगा, झारखंड झारखंडियों के बना है इस भावना का सम्मान करना होगा। अगर लोकतंत्र नहीं है तो वो अगर गोली भी चलवाएं तो हम क्या करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मरना पसंद करेंगे क्योंकि हमारा इतिहास रहा है मरने का, कब अब कब कहें कैसे, 1 जनवरी 1948 जब पूरा देश दुनिया जश्न मना रहा था, हमारे जो पुरखे थे वे सरायकेला में सीने पे गोली खा रहे थे, रीजन क्या था, भाषा, रीजन क्या था, भाषा ही रीजन था। और एक बात थोड़ा सा आपको बता ही देते हैं, जब हिंदी को लोग कहते हैं ना हिंदी हिंदुस्तान, बिल्कुल गलत कहते हैं, हिंदी हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, हिंदी उत्तर भारत की भाषा है, इसलिए की बात को क्लियर कीजिए, इसमें कोई देशभक्ति और देश गद्दार वाला बात नहीं है, जो फैक्ट है जो लॉजिक उसको मानिए, हिंदी उत्तर भारत की भाषा है, 42% लोग हिंदी जानते हैं, दक्षिण भारत हिंदी को नहीं स्वीकारता है, क्यों नहीं स्वीकारता है, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर भारत के लोग दबंग होते हैं, वे शुरू से जान रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग दबंग होते हैं, ये लोग अगर हिंदी को दक्षिण में थोपेंगे ये नौकरियों को खाएंगे, ये यहाँ पर आके हमारा दबदबा करेंगे। उन्होंने पता है 1965 में 12 लोगों ने सुसाइड आत्मदाह कर लिया, खुद को जला लिया था, लेकिन हिंदी को भाषा स्वीकार नहीं किया। तो हम सरकार से इतना ही कहेंगे, अगर दम है तब हिंदी को हिंदुस्तान की भाषा स्वीकार कीजिए, हम भोजपुरी को झारखंड की स्वीकार कर लेंगे। भूल जाए।
छोटा मुंडा कहूल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार, प्यारी माता कहूल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार, प्यारी माता कहूल जोहार, हुल जोहार, हुल जोहार। अबे हमने जाग के लियो, जाग के लियो, जाग के लियो। देखिए आगामी कार्यक्रम हमारा जो इसका आज से शाम होगी, तो हमारे जो समिति के साथी हैं एक समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। समीक्षा बैठक में बात किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अगर आर्थिक नाकाबंदी तक की बात आई तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वैसे भी झारखंड जब जब, एक कहावत है कि जब जब सजा है थाल क्रांति का, जब जब सजा है थाल क्रांति का, माओ ने खुद अपने बेटों की बोलियां दी हैं, आंदोलन ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। जिया जिया जिया, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो अभी कर गुजरना आने वाली पीढ़ी का सवाल है जी, सर आखिर जी के क्या करेंगे? गुलामों की तरह जीने से अच्छा है हम लोग लड़ते लड़ते शहीद हो जाना चाहिए। हमने काटे लागे लुटी लेबो ना देबे काटे देबो। आज ये मानव श्रृंखला जो बना है ये सब कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ही आए हैं। आज माटी की आवाज़ सबकी अपने आप से मन से गूंजी है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई फाइनेंसर नहीं, कोई अगुवाई नहीं है, बिल्कुल लोग तो समझ रहे हैं क्योंकि सरकार के बीच में अगर यदि बात रखने का रहे एक मंच बना के, तो आगे का रणनीति इस मंच बनाने पर क्या है? हम लोग तैयार हैं सरकार से, नहीं सरकार से क्या, जितने IAS IPS जज जो भी हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, बहुत प्रबुद्ध कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जो संविधान की जानकारी रखते हैं, जितने लोग मेरे स्टेट में हैं वो किसी रैंक के हैं, उन्हें हम डिबेट में बुलाना आमंत्रित करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। अगर जितने अधिकारी हैं अगर एक मिनट भी स्वीकार करेंगे, कोई रहे IAS रहे IPS रहे, अरे हम जानते हैं IAS IPS कितने महान हैं आप। अगर आप महान होते ना तो आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी देश जो जितना इंडेक्स निकालिएगा ना, चाहे गरीबी का कुपोषण का, सब में भारत आगे है, करप्शन में आगे है, भुखमरी में आगे है। तो IAS IPS तो पढ़े लिखे होते हैं, अरे चलो नेता मंत्री लोग चोर होता है, चुहाड़ होता है, उन लोग लुच्चा होता है, अनपढ़ होता है। आप क्या करते हैं, आप तो ग्रेजुएट होते हैं, आप तो कहीं ना कहीं उनके साथ हैं, बिल्कुल आप साथ हैं। भारत में से झारखंड सबसे आगे टॉप में हर चीज़। अच्छा ये जो भोजपुरी मगही है इससे छात्रों को कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा छात्रों को सर, वैसे असर पड़ेगा। रेस्ट ले दीजिए भाई।